शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती है बहुत तकलीफ, मगर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो मैं पप्पू कुमार आप लोग को स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पीकरा मैथ्स में। आज हम एवरेज का पार्ट 6 का कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ, जो कि रेलवे, SSC, बिहार पुलिस हो या अन्य किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम बता दें, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब दूरी सेम हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, औसत चाल बराबर, ठीक है, यानी कि एवरेज स्पीड। औसत चाल बराबर क्या होता है, ध्यान से हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे। वैसे बहुत सारा क्वेश्चन है वो विदाउट फॉर्मूला के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, ठीक है, बटा कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बटा में क्या होगा, कुल समय, कुल समय। अब हम ध्यान से देखेंगे, जब दूरी बराबर रहे, ठीक है, जब दूरी बराबर होता है तो एवरेज यानी कि औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड, ठीक है, का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy, ठीक है, 2xy बटा में x प्लस वाई, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला का यूज़ हम कब करेंगे, जब दूरी बराबर है, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन हम ध्यान से ये देखेंगे कि अगर औसत चाल, ठीक है, कुल दूरी और कुल समय ही होता है। हम बार बार ये बता चुके हैं कि जब कुल दूरी बराबर हो, यानी कि दूरी जब बराबर हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है, जब चाल दिया रहे दोनों का और दूरी बराबर हो। लेकिन यहाँ पर जब समय दिया रहे, दूरी दिया रहे, चाल दिया रहे, तब यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइए हम खूबसूरत से कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एक कार 150 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौट जाता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। इसमें क्या हो रहा है कि 150 किलोमीटर की दूरी है, ध्यान से समझेंगे पहले इसका, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक गया, ठीक है, और इसके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 150 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अब जब इधर से गया है तो इसका चाल जो है ना वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो गया है, ठीक है, लेकिन वापस आया है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, वापस आया है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा गया इसकी औसत चाल क्या है, तो आपको पता है एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर जब दूरी बराबर रहे, क्योंकि सेम दूरी हम गए हैं और सेम दूरी वापस आए हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, 2xy बटा में x प्लस वाई। अब अगर ध्यान से हम देखें, 2 × x, x का मान कितना है, 60 है, ठीक है, और y का मान कितना है, 40 है, और बटा में x और y दोनों को जोड़ देंगे तो 60 और 40 को जोड़ेंगे कितना होगा, 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी कि 6 × 24 = 48, मतलब यह है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या है, औसत चाल है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा बी से सी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, यदि तो कहता है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, ये हमें निकालना है। अब ध्यान से समझेंगे, कहा गया है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ये ए है, ठीक है, ए से बी तक गया और बी से सी तक गया, और यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बी से सी तक जो जाता है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान से समझेंगे। और यहाँ पे बता दिया गया है कि दूरी क्या है, बराबर है, और हमको पता है जब दूरी बराबर हो तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy / x + y, तो यहाँ पर 2
एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, हम फॉर्मूला का यूज हमेशा नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 20 है, इंटू वाई का मान कितना है 30 है, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 50 होगा। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ठीक है। 5 से 4 बार में 20, यानी कि 4 दुना 8 3 24, यानी कि आंसर कितना हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए इसको हम कर चुके हैं। लेकिन हर एग्ज़ाम में फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन नहीं आता है। आइए हम कुछ अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जैसे एसएससी के अच्छे लेवल, जैसे सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, ये सब एग्ज़ाम में भी आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है वो ज़्यादातर बेसिक लेवल के एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी के एमटीएस हो गया, ये सारे एग्ज़ाम में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। आइए एक बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। गुड्डू 150 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा 10 मिनट में जाता है और 4 घंटा 20 मिनट में आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। हम अभी थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला लिखा रहे थे कि औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। तो अगर हम फिर से लिख लेते हैं औसत चाल, ठीक है, औसत चाल बराबर हो जाता है कुल दूरी बटा कुल समय। ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुल दूरी बटा में क्या होगा कुल समय, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया गया है कि वो जाता है 150 किलोमीटर और आता भी है 150 किलोमीटर। अच्छा, 150 किलोमीटर जाता है और 150 किलोमीटर आता है, मतलब टोटल जो है दूरी वो कितना हुआ 300 किलोमीटर, ठीक है, बटा में कुल समय। अच्छा, समय कितना लगता है, जाने में समय लगता है 3 घंटा 10 मिनट। अब ध्यान से यहाँ समझेंगे, 3 घंटा 10 मिनट, अगर 10 मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, 0 से 0 कटेगा, यानी कि 6 से 3 बार में 18 1 तो कितना होगा 19 बटा 6, ठीक है। वापस आता है 4 घंटा 20 मिनट में, ठीक है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो 4 घंटा और 20 मिनट, 20 मिनट को चेंज करेंगे घंटा में तो 20 से कम 20, 20 से 3 बार में 60, यानी कि 4 3 12 13 13 बटा कितना होगा 3 होगा। अब कुल समय है, तो पहले जाने में समय लगा कितना 19 बटा 6, प्लस वापस आने में समय कितना लगा 13 बटा 3, ठीक है। अब ध्यान से हम देखेंगे 300 तो ऊपर है ही, ठीक है, दूरी जो है ये दोनों का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, तो ये दोनों का एलसीएम 6 है, 6 में 19 से गुना करेंगे तो 19 होगा, प्लस 6 में 3 से भाग देंगे 2, और 2 में 13 से गुना करेंगे 26। अब हम ध्यान से देखेंगे ये 6 जो है ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा 300 × 6 / 2, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 9 × 6 = 15 + 5 = 1 + 2 + 3 = 45, ठीक है। 15 से 3 बार में 45 और 15 से 15 दुना 30 यानी कि 20, ठीक है, ये 3 से कटेगा 3 दुना 6 यानी कि 20 दुना 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है उसकी औसत चाल है। ये बहुत ही संक्षिप्त में भी हम बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हम इस तरह का कैलकुलेशन को थोड़ा सा लंबा करते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन को हम देखते हैं, और वो क्वेश्चन है एक जहाज 3-3 किलोमीटर की 4 दूरियां क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो पूरी यात्रा में उसका औसत चाल क्या है। अगर कोई विद्यार्थी इसे रट के करे तो क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना है, इसलिए हम क्या करेंगे इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि जो जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो इसको आसानी से हम कर पाए। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं, तो फिर से वही चीज़ है औसत चाल, ठीक है, औसत चाल बराबर आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, औसत चाल बराबर आप लोग को पता ही है, हम बार बार ये बताते चलते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है, कुल दूरी बटा में क्या होगा कुल समय, ठीक है, कुल समय। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें, ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि 3-3 किलोमीटर की 4 दूरियाँ हैं, ठीक है, 4 दूरी है, मान के चलते हैं
यहाँ से यहाँ एक दूरी, यहाँ से यहाँ दूसरा दूरी है, यहाँ से यहाँ तीसरा और यहाँ से यहाँ चौथा। और यहाँ पे कहा गया कि 3-3 किलोमीटर की दूरी है, ये भी 3 किलोमीटर है, ठीक है, ये भी 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर, ये भी 3 किलोमीटर, ठीक है, सब 3-3 किलोमीटर, ध्यान से समझेंगे। लेकिन यहाँ पे चाल अलग अलग दिया हुआ है, ये पहली दूरी है उसको चला गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, दूसरा जो दूरी है उसको चला गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तीसरा जो दूरी है उसको चला गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और चौथा जो दूरी है उसको चला गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, औसत चाल के लिए फॉर्मूला ऊपर हमको पता है, कुल दूरी का बात करेंगे तो 3 किलोमीटर चार दूरी, 3 किलोमीटर का चार दूरी है, मतलब इस सबको जब हम ऐड करेंगे कितना होगा, 12 किलोमीटर होगा, ठीक है, भट्टा में। अब हम ध्यान से देखेंगे, पहला जो है, पहला 3 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला गया है, तो इसमें कितना समय लगा होगा, तो समय बराबर आपको पता है कितना होता है, दूरी बटा चाल, तो 3/10 इसका समय आ गया, फिर प्लस इसका अगर समय निकालेंगे तो 3 किलोमीटर ही चला गया है लेकिन इसका चाल कितना है, 20, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो इसका समय निकालेंगे तो कितना होगा, 3/30 और प्लस इसका कितना होगा, 3/60, ठीक है। अब हम ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है, 12/में सबका एलसीएम ले ले, अगर हम 10, 20, 30 और 60 का, तो कितना होगा, 60 होगा एलसीएम, ठीक है, 60 में 10 से भाग देंगे 6, यानी 6 में 3 से गुना करें कितना होगा, 18 होगा, प्लस 60 में 20 से भाग करेंगे 3 और 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 60 में 30 से भाग करेंगे 2 और 2 में 3 से गुना करेंगे 6, प्लस 60 में 60 से भाग करेंगे 1 और 1 में 3 से गुना करेंगे 3। अब ये जो 12 है उसके साथ ये 60 गुना के रूप में आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और सबको हम जोड़ेंगे तो 18, 9, 6 और 3 को, तो कितना होगा, 36 होगा। अब ध्यान से समझिएगा, 12 से 3 बार में 36 और 3 से 20 बार में 60, मतलब ये है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, औसत चाल हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार पहले 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अगला 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। पहले जो है 40 किलोमीटर चलता है और बाद में 60 किलोमीटर चलता है, तो टोटल जो दूरी हो गया वो कितना हो गया, टोटल दूरी हो गया 100 किलोमीटर, ठीक है, ध्यान से समझेंगे बटा में। अब पहला जो 40 किलोमीटर की दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, यहाँ पे हम समझाते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि पहले 40 किलोमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक तय किया, फिर यहाँ से यहाँ तक तय किया, पहला जो 40 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, वो तय किया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अगला जो 60 किलोमीटर की दूरी है वो तय किया है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि उसका औसत चाल निकालना है, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल दूरी कितना है, तो 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर हुआ, ठीक है। अब अगर हम बात करें टोटल समय का, तो आखिर इसको कितना समय, यानी कि ये दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। मतलब ये है कि 40 किलोमीटर चला है कितने की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, प्लस ये समय हो गया इतना दूरी का, और ये दूरी तय करने में कितना समय लगा इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो है दूरी 60 किलोमीटर है और तय किया गया कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब 20 से कटेगा, 20 × 40, 20 से कटेगा, 20 से 3 बार में 60, यहाँ भी 20 से कटेगा 3 बार में 60 और 20 × 40, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 100 तो ऊपर दूरी है टोटल, ठीक है, बटा में ये 2/3 है और ये 3/2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 होगा, ठीक है। अब हम 6 में 3 से भाग करेंगे तो आपको पता है 2 होगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 4 होगा, प्लस 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 होगा, और 3 में 3 से गुणा करेंगे 3 × 9 होगा। ध्यान से आप देखना है, ये जो है 6 वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 100 से गुना हो जाएगा 6 में, कितना हो जाएगा, 600 बटा में,
नौ चार कितना होगा 13, ठीक है। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, तो 13 से चार बार में 52, 8 बचेगा, 13 से 6 बार में 78, यानी कि 2/13। मतलब ये है कि ये पूर्णांक में हमारा आंसर आ गया 46 पूर्णांक 2/13 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारा क्या है, औसत चाल है। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस यात्रा के एक तिहाई भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक चौथाई भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की जाती है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या थी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे तीन दूरी है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। हम मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी है, जिसको हम एक मान लेते हैं, ठीक है, दूरी कितना है, एक है। हम कुछ और भी मान सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कहता क्या है कि पहला जो है एक तिहाई दूरी, मान के चले कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, पहला एक तिहाई दूरी जो है वो चला गया है कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, ध्यान से हम लोग समझेंगे। अगला जो दूरी है, ये दूरी हम मान लेते हैं वो एक चौथाई यानी कि 1/4 है, जिसको चला गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और शेष दूरी, अच्छा शेष दूरी कितना होगा, हम टोटल दूरी को अगर एक मानते हैं, ठीक है, टोटल दूरी को एक मानते हैं तो 1/3 तो चला जा चुका है, ठीक है, और यहाँ पर 1/4 भी चला जा चुका है। मतलब ये है कि दोनों का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, तो ये 12 माइनस 4 माइनस 3 बटा में 12, 4 3 7, 12 में से 7 घटाएंगे कितना होगा, 5/12। अब ये दूरी कितना बच रहा है, तो 5/12 दूरी बच रहा है, और ये जो चाल है इसका कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो तय किया गया है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि इसका औसत चाल क्या होगा। आपको पता है ये फॉर्मूला, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो ये टोटल जो दूरी है उसको हम एक मान चुके हैं, ठीक है, तो एक लिख लेंगे, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब बात किया गया कुल समय का, तो कुल समय कितना है ये हम देखेंगे। कुल समय, तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी में चाल से भाग दे देंगे, तो 1/3 दूरी था, ठीक है, 1/3 दूरी है, और जैसे ही 25 से भाग देंगे तो यहाँ पे 25 आ गया, है ना, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल बराबर समय, प्लस इसका समय निकालेंगे तो कितना होगा, 1/4 तो पहले से है, और हमें 30 से भाग देंगे तो 30 यहाँ आ जाएगा, प्लस ये पहले से कितना है, 5/12 है, और चाल से भाग दें कितना, 50, ठीक है, ये तो कट जाएगा 5 से 10 बार में 50। अब ध्यान से देखिएगा 1/2, ठीक है, अब सबका हम एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे, तो ये 25 के 75 और 120, और 120 का एलसीएम कितना होगा, 600 होगा, ठीक है, एलसीएम कितना होगा, 600। अब 600 में हम 75 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8 होगा, प्लस 600 में 120 से भाग देंगे तो 12/50 यानी कि 5 होगा, प्लस यहाँ भी 120 से भाग देंगे कितना होगा, 5 होगा। अब 600 ऊपर चला जाएगा यानी कि 600/5, 5 10 और 8 18, ठीक है, 6 से कटेगा 3 बार में 18 और 6 से 100 बार में 600। अब जब हम 100 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 33/1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो है औसत चाल से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक था। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन अगर किसी तरीके का डाउट हो इस टॉपिक में तो आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये वीडियो आपका कैसा लग रहा है ये भी आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं एवरेज के टॉपिक 7 के साथ, तब तक के लिए।